love me? Of course. Enjoy my life. आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसका नाम है डीप वाटर। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने पति के सामने ही दूसरे मर्दों के साथ काम क्रिया करने लगती है। मूवी की शुरुआत में हम एक निक नाम के आदमी को देखते हैं जो साइकिलिंग करके अपने घर आया होता है। वहाँ उसकी वाइफ मिलिंडा सीढ़ियों पर बैठी थी, तभी निक उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस पर मिलिंडा कहती है कि कुछ नहीं, और वो ये कहकर अपने रूम में चली जाती है और निक अपने रूम में। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं हैं। इसके बाद रात को मिलिंडा निक को अपने रूम में बुलाती है और उससे ड्रेस चूज करने को कहती है। फिर ये दोनों तैयार होकर एक पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ मिलिंडा का एक फ्रेंड जॉस आया था, तो मिलिंडा उसके साथ गार्डन में ही काम क्रिया करने लगती है। ये सब कुछ निक वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। यहाँ तक कि मिलिंडा को भी ये पता था कि निक उसे देख रहा है, पर फिर भी वो नहीं रुकती। काम क्रिया खत्म करने के बाद जॉस निक से मिलने आता है। इस पर निक जॉस को बताता है कि तुमसे पहले मिलिंडा का एक और बॉयफ्रेंड था जिसे उसने बड़ी बेरहमी से मार दिया। ये बात सुनकर जॉस डर जाता है और बिना कुछ कहे पार्टी से चला जाता है। जॉस के ऐसे चले जाने के बाद मिलिंडा निक से पूछती है कि तुमने आखिर उससे ऐसा क्या कहा। इस पर निक कहता है कि मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद ये दोनों घर पहुंचते हैं तो मिलिंडा निक को अपने कपड़े निकालने में हेल्प करने को कहती है। मिलिंडा को ऐसी हालत में देखकर निक के अंदर का प्यार उमड़ने लगता है, मगर तभी मिलिंडा निक को वहां से जाने को कहती है। अगले दिन मिलिंडा को पता चलता है कि निक ने जॉस से क्या कहा था और वो निक पर बहुत गुस्सा करने लगती है और वो निक से कहती है कि तुम्हें जॉस से माफी मांगनी होगी जब रात को वो डिनर पर आएगा। रात को जब ये तीनों डिनर कर लेते हैं तो मिलिंडा जॉस को अपने कमरे में ले जाती है और काम क्रिया शुरू कर देती है। ये सब निक भी वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। अगली सुबह निक और मिलिंडा एक पार्टी में जाते हैं जहाँ निक की एक टोनी नाम के आदमी से बहस हो जाती है। इसके बाद हम निक को एक लड़की के साथ नाचते हुए देखते हैं और ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी हैरान थे, क्योंकि उन्हें अभी तक यही पता था कि निक एक अच्छा डांसर नहीं है। ये देखकर मिलिंडा निक से इम्प्रेस हो जाती है और लौटते समय गाड़ी में ही काम क्रिया शुरू कर देती है और घर तक ऐसा ही चलता है। अगले दिन निक को बैंक से कॉल आता है कि मिलिंडा ने एक रिक नाम के आदमी को $3,000 ट्रांसफर किए हैं, मगर बैंक में पैसे ना होने की वजह से पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। इसके बाद निक रिक के बारे में पता लगाने लगता है और एक होटल में पहुंचता है जहां रिक पियानो बजाया करता था। तभी वहां मिलिंडा भी आ जाती है और रिक को मिलिंडा के साथ देखकर निक वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब निक अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में रिक दिखता है जिसके हाथ में एक बुके था। रात को वही बुके निक को अपनी टेबल पर दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि रिक यहाँ पर आया था और वो उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर रिक भी आया हुआ था। तभी निक को मिलिंडा कहीं दिखाई नहीं देती तो वो मिलिंडा को ढूंढने लगता है, मगर मिलिंडा रिक के साथ काम क्रिया में लगी हुई थी। ये देखकर निक गुस्से में आकर स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाता है। तभी बाकी लोग भी स्विमिंग पूल में आकर नहाने लगते हैं। यहाँ पर रिक, मिलिंडा और उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। रिक और मिलिंडा को एक साथ स्विमिंग पूल में देखकर निक को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक बारिश आ जाती है और ये लोग पूल से निकलकर घर के अंदर चले जाते हैं, मगर निक अभी तक वहीं पर बैठा था और मिलिंडा का बॉयफ्रेंड रिक भी अभी तक पूल में ही था। तभी निक मौके का फायदा उठाकर रिक को पानी में डुबाकर मार देता है और वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी मिलिंडा को जब रिक कहीं नहीं दिखता तो वो उसे बाहर पूल में देखने लगती है जहां उसकी डेड बॉडी स्विमिंग पूल में तैर रही थी। ये देखकर मिलिंडा जोर से चिल्लाती है, पर जब सब लोग वहां पहुंचकर उसे स्विमिंग पूल से निकालते हैं तब तक रिक का काम तमाम हो चुका था। अब यहां पर पुलिस भी आ जाती है और वो सबसे पूछताछ करने लगती है, मगर तभी मिलिंडा कहती है कि निक ने ही रिक को मारा है, मगर कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस वहां से चली जाती है। अगले दिन जब निक साइकिलिंग करने जाता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ दिन बाद निक कहीं जा रहा था तब उसे वही कार दिखती है जो उस दिन उसका पीछा कर रही थी। ये कार एक रेस्टोरेंट के बाहर पार्क थी, पर जब निक अंदर जाता है तो मिलिंडा को उस कार वाले आदमी के साथ देखकर हैरान होता है। बातों बातों में निक उस आदमी से उसके बारे में पूछने लगता है
और वो समझ जाता है कि ये कोई जासूस है जिसे टोनी ने उसके पीछे लगाया है। अगले दिन निक टोनी के घर जाता है और उसकी वाइफ से कहता है कि तुम्हारे पति ने मेरे पीछे एक जासूस लगा रखा है, और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इस पर वो औरत अपने पति पर बहुत चिल्लाती है। इसके बाद हम मिलिंडा को एक नए लड़के के साथ देखते हैं जिसका नाम नेल्सन है। रात को मिलिंडा नेल्सन को अपने घर डिनर के लिए बुलाती है और निक से भी मिलवाती है। डिनर करने के बाद मिलिंडा नेल्सन को लेकर अपने रूम में चली जाती है और वहां वो दोनों काम क्रिया शुरू कर देते हैं। ऐसा करते हुए इस बार भी निक उन्हें देख रहा था और उसे इस बात पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अगले दिन निक नेल्सन के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करने लगता है। जब नेल्सन बाहर आता है तो निक उसे घर तक छोड़ने के बहाने जंगल में ले जाकर जान से मार देता है और उसकी बॉडी पर पत्थर बांधकर उसे पानी में डुबो देता है, और ये सब करने के बाद वो घर वापस चला जाता है। अगले दिन मिलिंडा निक से पिकनिक पर जाने को कहती है तो निक उसकी बात मानकर उसे घुमाने उसी जगह ले जाता है जहां उसने नेल्सन को मारा था। घर वापस जाते समय निक को नेल्सन का एक हाथ पानी के ऊपर दिखाई देता है, मगर उस समय वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगले दिन वो वापस आकर नेल्सन की बॉडी को ठिकाने लगाने लगता है, मगर तभी वहां टोनी आ जाता है और वो ये सब करते हुए निक को देख लेता है। अब इसके बाद टोनी वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है तो निक भी उसका पीछा करता है, मगर टोनी की कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी इसलिए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार खाई में गिर जाती है और मौके पर ही टोनी की मौत हो जाती है। इसके बाद हम मिलिंडा को देखते हैं जो निक का सामान चेक कर रही थी। तभी उसे नेल्सन का पर्स मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसके सभी बॉयफ्रेंड को निक ने मारा है, और वो उससे परेशान होकर उसे हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला करती है। मगर मिलिंडा की बेटी कहीं जाना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ अपने डैड के साथ ही रहना चाहती थी। तभी हम निक को देखते हैं जो साइकिलिंग करके घर वापस आया होता है, और मिलिंडा मूवी की स्टार्टिंग की तरह ही सीढ़ियों पर बैठी थी। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ। धन्यवाद।